और इस नाग देवता को 10 रुपए से माने, 10 रुपए बाबा को दान कर दे, बाबा की कृपा हो जाए और बाबा रहन कर दे, तो फिर वो आज के दिन ये समझ ले कि बाबा की तरफ से हमारा काम तो बन। ये नाग भगवान भोले बाबा ने शक्ति भक्ति देखी भाई, अपने गले का हार बनाया। और जहाँ में शक्ति नहीं होती और जहाँ में भक्ति नहीं होती तो क्या करते हो, पूजा हम भी करते हैं। अगर जिसके पास में 1 तोला घी है कटोरी में रख के, ये बाबा गंगा जी पूजा है, पूजा बाबा को गंगा जी ले जा रहे, गंगा जी भाई इनकी पूजा करेंगे बेटा गंगा जी पे, जिस माता बहन पे 1 तोला भर घी है बेटा कटोरी में रख के भगवान के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे भाई जिसको भगवान ने दिया है बेटा 1 तोला भर घी कटोरी में रख के और इस नाग बाबा की पूजा में देखो जरूर बनवा। और अपने अपने घर से भाई जिसने ज्ञानी दिया है, जिसने ज्ञानी दिया है 10 रुपए 10 रुपए और बेटा एक एक कटोरा चुन ले बेटा पूजा। और पूजा के दिन जा नाग बाबा को माने मत करना, 1 तोला घी कटोरी में रख के इसकी पूजा जरूर करना। और जहाँ पे है और जो ला के दान कर दे तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा आ जाएगी उसके घर में। सभी भक्तों और सभी माता बहनों बाबा ऐसे दर्शन करना और ऐसे दर्शन देना बेटा, हाथ जोड़ के नमस्कार करो। ये नाग देवता हाथ जोड़ के जो नमस्कार करे नहीं है और जे नाग बाबा कृपा कर दे तो वो ये समझ ले के बाबा की तरफ से उसका संकट दूर कर दिया। ये कालिया नाग है, किसने दिया है और जिसको भगवान ने दिया है।